आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के अध्ययन से पहले आधुनिक शब्द का अर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। मध्यकाल में जब जड़ता और रूढ़िवादिता चरम स्थान पर पहुंच गई, तब जिस नवीन चेतना ने उसका स्थान लिया वह आधुनिक है। इस आधुनिक शब्द में ता जुड़ने से आधुनिकता बना, जिसका अर्थ होता है नवीनता की परिचायिका। इस नवीनता की परिचायिका ने मनुष्य को उसके परिवेश के प्रति सजग बनाया। उसके अंदर स्वाभिमान, आत्मसम्मान, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और इस आधुनिकता के वाहक बने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। राष्ट्रीयता और समाज हित की भावना का समावेश काव्य में किया, इसीलिए ये आधुनिक काल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने श्रृंगार और वासना में डूबे हुए समाज को उत्थान का रास्ता दिखाया, देश प्रेम की भावना का संचार किया, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेश की शिक्षा दी तथा तत्कालीन समाज का यथा चित्रण किया। उन्होंने कहा कि जिस भी रूप में जनता विचारों को ग्रहण करे उसी रूप में कविता की जाए, चाहे गद्य रूप में लेख लिखिए आप, चाहे पद्य रूप में कविता लिखिए, लेकिन आपके विचार, आपके संदेश जनता तक पहुंचने चाहिए। और यही कारण था कि गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ। भारतवासी जिस रूप में चाहे उस विधा को ग्रहण कर सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का विकास करें, और इसीलिए गद्य विधाओं का जन्म हुआ। आधुनिक काल को कई उपविभागों में विभाजित किया गया। ये प्रश्न भी आ जाता है, इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही जो उन्होंने विभाजन किया उसी को मैं आपके सामने बता रही हूँ। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा, 1857 ईस्वी से और 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। छायावादी युग, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल, इसे प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 और नवलेखन काल 1953 के बाद का इसे विभाजित किया गया है। अगर हम इसमें पहला जो काल है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें, तो भारतेंदु युग की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित जो जनमानस था उसमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार करना भारतेंदु युग के कवियों का पहला कर्तव्य बन गया था। इसीलिए वो राष्ट्रीयता से परिपूर्ण कविताओं की रचना करते थे। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण को वो अपनी कविता में उजागर किया करते थे। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन ऊसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भी लिखते हैं, धन्य भूमि भारत, सब रत्ननी की उपजावनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता आती है वो है राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का अंतर विरोध। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए वो सीधे सीधे अगर अपनी बात कहते, अंग्रेजों पर आक्षेप लगाते, तो हो सकता है कि उनकी जो कविताएं थी, उनकी जो रचनाएं थी, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। भारतेंदु जी लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पई धन विदेश चली जात यह अति खुआरी।
और यह जो अंतर्द्वंद था यह द्विवेदी युग में जाकर के समाप्त हो जाता है। भारतेंदु युग की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है हास्य और व्यंग की प्रधानता, क्योंकि इनका उद्देश्य जनता से वाहवाही लूटना नहीं था, इसलिए ये कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करके बड़ी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करना ऐसा इनका कोई उद्देश्य नहीं होता था। ये सीधी सरल भाषा में जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे और थोड़ी हंसी मजाक के साथ, हास्य और व्यंग के साथ, जिससे कि जनमानस उसे आसानी से ग्रहण कर सके। और इसमें औपनिवेशिक मानसिकता पर बड़ा प्रहार किया गया। भारतेंदु जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। हास्य और व्यंग की ऐसी जो सुंदर प्रधानता थी वो हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलती है। भारतेंदु कालीन कवियों ने रीति काल के संकीर्ण दायरे से कविता को निकाला और समाज और राष्ट्र से उसका परिचय कराया। रीति काल की जो सामंतवादिता थी, जो धर्म और दरबार को वहां महत्व दिया गया था, उन सब को नकार के समाज सुधार, अखंड राष्ट्रीय भावना और नवजागरण का स्वर भारतेंदु युग में प्रबल होने लगा। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समस्या पूर्ति में क्या होता था, इसका एक नियम था कि एक पंक्ति दे दी जाती थी कवि जन को और वह जो पंक्ति थी उस पंक्ति का प्रयोग अपने पद बनाने में अंत में करना था, वो पंक्ति अंत में आनी चाहिए थी। इस प्रकार इससे क्या होता था कि जो कवियों की प्रतिभा होती थी उसको परखा जाता था। रसिक समाज बड़े ही रुचि के साथ इसे सुना करते थे। भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता की भी प्रधानता थी, क्योंकि रीति काल में श्रृंगारिकता बहुत प्रमुख विशेषता थी। नायक और नायिका, नक्षिक वर्णन, इन सबको लेकर के ही काव्य का सृजन होता था। तो कोई भी अगर प्रवृत्ति चली आ रही है तो वो अचानक से तो खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे ही उसका समापन होता है। रीति काल के बाद जब आधुनिक काल में भारतेंदु युग आता है तो वह एकदम से खत्म नहीं होती, इसीलिए भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता आई लेकिन मर्यादित रूप में, उसकी मर्यादित अभिव्यक्ति हुई है। वयसंधि नायिका का सुंदर चित्रण आप देखिए, सिसुताई अजो न गई तंते तरु जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुनी के चर्चा हरिश्चंद्र की कानन कूक दे बोह मरोरे लगी। या जगमोहन सिंह की पंक्तियां देखिए, जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना की भी प्रधानता थी। जो भारतेंदु जी थे वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, पुष्टि मार्गीय भक्त थे। वो लिखते भी हैं, मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी। नीति की बातें भी, माया मोह के बंधन, विषय वासना, इन सब पर भी लिखा गया। राधा कृष्ण दास की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। प्रकृति चित्रण भारतेंदु युग की विशेषता है। एक ओर तो बसंत, वर्षा, ऋतुओं का वर्णन चांदनी का सुंदर चित्रण किया गया है, कभी यमुना का वर्णन करते हैं, कभी होली का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर चित्रण भारतेंदु जी करते हैं यमुना नदी का, कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सी जल परसन हित मनहु सुहाए।
भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है, लेकिन निज भाषा की बात का पुरजोर समर्थन किया। भारतेंदु जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निजो भाषा ज्ञान के मिटे नहिए को सूल। बलिया में अपने एक भाषण में उन्होंने यह सुनाया था। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध में पंक्तियां भी आई हैं। भारतेंदु युग में जो प्रमुख कवि हुए हैं उनमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अलावा बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जो सबसे वरिष्ठ थे, ये महत्वपूर्ण कवि थे। और इन सब कवियों ने मिलकर के भारतीय समाज को नवीनता का रास्ता दिखाया, संकीर्णता से निकाल करके एक व्यापक मंच पर ले आए। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग का साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए कहा कि प्रथम उत्थान नवयुग का आरंभ मात्र था, इसीलिए इस समय की कविता में उस कलात्मकता के दर्शन नहीं होते जो कालांतर में सतत परिश्रम से प्राप्त हुई। काव्य विषयों के सर्वथा नवीन होने के कारण इनकी काव्यपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए समय की आवश्यकता थी। रीतिकाल के बाद जब आधुनिक काल आता है और भारतेंदु युग आता है, तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना आभार प्रकट किया जाए, वो कम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कि हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया, हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। इस प्रकार जो भारतेंदु युग है वह एक महत्वपूर्ण काल था, जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन करने वाला काल था। सभी दृष्टियों से, चाहे भाव हो, भाषा हो, छंद हो, परिष्कार किया गया और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र सच्चे अर्थों में इस आधुनिक काल के जनक थे। धन्यवाद।